Hello students, today we are going to study about oxidizing and reducing agents. We know that oxidation is loss of electron and reduction is gain of electron, right? But यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे oxidizing agent क्या होता है और reducing agent क्या होता है. Oxidizing और reducing agent वो substance होते हैं जो oxidize करते हैं और reduce करते हैं. जैसा नाम से ही पता चल रहा है, oxidizing agent oxidize करने वाले substance होते हैं और reducing agents reduce करने वाले substance होते हैं. But interesting point ये है कि oxidizing agent जब oxidize करते हैं तो उस समय खुद reduce हो जाते हैं. They reduce itself during the reaction. On the other hand, reducing agent जिस समय दूसरे substance को reduce करते हैं तो वो reduction करते समय खुद oxidize हो जाते हैं. They oxidize itself during the reaction. इसको हम इस example से समझ सकते हैं कि जब hydrogen heated copper 2 oxide के साथ react करता है तब reaction बनता है copper 2 oxide plus hydrogen. कॉपर एंड वाटर. तो यहाँ हम आसानी से देख सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई है और कॉपर बन रहा है. इसका मतलब यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है रिडक्शन. और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आकर मिल रही है और बन रहा है वाटर. तो हाइड्रोजन का हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन. बट इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कॉपर ऑक्साइड जिसका रिडक्शन हो रहा है वो एक तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है. कॉपर ऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. क्यों? क्योंकि इस कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से ही हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है. या हम ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जिसका कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है. हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है क्योंकि इस हाइड्रोजन की वजह से ही कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है. तो इसको हम यहां पर इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कॉपर टू ऑक्साइड कॉपर में रिड्यूस हो गई हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके. तो यहां पर हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है. द कॉपर टू ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन. सो हाइड्रोजन एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. But the hydrogen is itself oxidized to water. Hydrogen is itself oxidized to water in the reaction. So copper 2 oxide acts as an oxidizing agent. Copper 2 oxide oxidizing agent की तरह काम करता है. So we can summarize it that an oxidizing agent oxidizes another substance and is itself reduced. And a reducing agent reduces another substance and is itself oxidized. In other terms, we can say oxidizing agents are oxidants and reducing agents are reductants. Oxidizing and reducing agents in the lab. Behavior of oxidizing and reducing agents in lab. Some substances have strong drive to gain electrons. देखो कुछ substance होते हैं जिन्हें electron लेने की बहुत strong drive होती है और वो strong oxidizing agent कहलाते हैं क्योंकि वो electron लेते हैं. जब वो electron लेते हैं इसका मतलब वो reduce हो रहे हैं और अगर वो reduce हो रहे हैं तो it means they are good oxidizing agent. They readily oxidize other substances by taking electrons from them. वो दूसरे सब्सटेंस को बहुत तेजी से ऑक्सीडाइज कर देते हैं क्योंकि वो उनमें से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं. जब वो इलेक्ट्रॉन लेंगे तो क्या है, दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं. इसका मतलब कि वो खुद रिड्यूस हो रहे हैं. इसका एग्जांपल है ऑक्सीजन और क्लोरीन. क्योंकि ऑक्सीजन और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये खुद इसका मतलब क्या हो रहा है, ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि ये खुद रिड्यूस हो रहे हैं, राइट? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं. दूसरी तरफ कुछ सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं. रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन देते हैं इसका मतलब वो खुद ऑक्सीडाइज्ड होते हैं. जैसे हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और सोडियम रिएक्टिव मेटल. क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इसका मतलब ये खुद ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं और ये एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह